नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नई सुबह रहनुमाई प्रोग्राम के करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट के साथ मैं हूं सलीम ताहिर। आज से हम एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम बिसारत से महरूम अफराद की करियर काउंसलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका ताल्लुक किसी नाबीना शख्स से है तो आप उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता कोई नाबीना बच्चा है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसकी करियर काउंसलिंग कैसे करनी होगी, उसकी एबिलिटीज़ को किस तरीके से पहचानना होगा और उसके रिगार्डिंग उसको किस किस्म की एजुकेशन दिलानी होगी, ये सब कुछ हम आपको इस प्रोजेक्ट में बताएंगे। तो हम जान लेते हैं कि करियर काउंसलिंग क्या है और हम ये किस तरीके से करेंगे। करियर काउंसलिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी शख्स में मौजूद एबिलिटीज़ को, उसकी सलाहियतों को पहचाना जाता है और उस शख्स को बताया जाता है कि इन सलाहियतों को अपने लिए सही पेशा का इंतखाब करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को किसी न किसी खूबी से नवाजा होता है। हर शख्स में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी होती है। नाबीना अफराद भी अगरचे एक सलाहियत से महरूम होते हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर दीगर सलाहियात रखी होती हैं जो उनकी इस कमी को कंपनसेट कर रही होती हैं और उनको डिफरेंटली एबल बना रही होती हैं। तो हमें अपने नाबीना बच्चों के अंदर ऐसी ही सलाहियतों को तलाश करना है जो उनके लिए फ्यूचर में एक सही पेशे का इंतखाब करने के लिए कार आमद साबित हो सकें। आपको अर्ली एज में ही उनके अंदर ये खूबियाँ तलाश करनी हैं और उनको पॉलिश करना है, उनको निखारना है, उनके लिए उसी किस्म की एजुकेशन का बंदोबस्त करना है जैसी उनके अंदर सलाहियतें होंगी। हम आपको अपने बच्चों के अंदर सलाहियतों को पहचानना सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने बच्चों के अंदर सलाहियतों को पहचान सकते हैं। हमारा मकसद नाबीना अफराद को माशरे का एक कार आमद हिस्सा बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचानें और उनकी इन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनको उसी राह पर चलाएं जिस पर चलकर वो माशरे के लिए कार आमद फर्द बन सकें। हम इस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। हम गार्डियंस की इस हवाले से रहनुमाई करेंगे कि वो अर्ली एज में ही अपने बच्चों की सलाहियतों को किस तरीके से पहचानना शुरू कर सकते हैं और इनकी सलाहियतों को मज़ीद किस तरीके से निखार सकते हैं, उनके लिए दुरुस्त सिम का तायुन किस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए दुरुस्त एजुकेशन का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। हमारे इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा उन नाबीना अफराद के लिए है जो बचपन में नाबीना नहीं थे लेकिन उम्र के किसी हिस्से में किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से अपनी बिसारत से महरूम हो गए। तो अब वो अपने लिए मुस्तकबिल में सही सिम का तायुन कैसे कर सकते हैं, किसी बेहतर पेशे का इंतखाब किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम आपको इस प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में बताएंगे। ऐसे लोग जो बाद में अपनी बसारत से महरूम होते हैं, वो ज़िंदगी में पहले से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, किसी पेशे से मुंसलिक होते हैं और अपनी सलाहियतों को किसी और तरीके से बुरे कार ला रहे होते हैं, लेकिन सडनली अगर वो किसी हादसे की वजह से अपनी आई साइट लॉस कर बैठे तो अब वो अपने लिए सिम का तायुन किस तरीके से करेंगे, अपने अंदर दूसरी सलाहियत को किस तरह पहचानेंगे और उस नई सलाहियत को किस तरीके से इस्तेमाल करके दोबारा से माशरे का कार आमद हिस्सा किस तरीके से बनेंगे, ये हम आपको इसी करियर काउंसलिंग के प्रोजेक्ट के तहत बताएंगे। तो हम आपको इस प्रोजेक्ट के तहत बताएंगे, गाइड करेंगे कि आप अपने बच्चों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए दुरुस्त सिम का तायुन कैसे कर सकते हैं और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बाद में नाबीना हुआ है तो उसकी किस तरीके से मदद की जा सकती है, या अगर आप खुद ऐसे शख्स हैं जिसने अपनी आईसाइट उम्र के किसी हिस्से में खो दी है तो हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। अगर आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने अंदर सलाहियतों को किस तरीके से पहचानें। हमारे इस करियर काउंसलिंग के प्रोजेक्ट का मकसद असल में आपकी सलाहियतों को पहचानना है और उन सलाहियतों को निखारना है। आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि आपके अंदर बहुत सलाहियतें मौजूद हैं, आप बहुत ज़्यादा एबल हैं, आपको सिर्फ अपने अंदर तलाश करना है और आपकी सलाहियतें आपके सामने उभर कर आना शुरू हो जाएंगी। तो हम आपसे आज के ट्यूटोरियल से इजाज़त चाहते हैं।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आप किन बुनियादों पर अपनी सलाहियतों को पहचान सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।